एक अनमोल भाव आप लोगों के बीच में, एक आदमी जो सिर्फ एक के काम कराया करता, दूसरा कोई काम नहीं करता था। और काम गुण था तम बिन हो गया, अच्छी बात सुनाई, चोरी करियादा इस तनहरा कोई काम नहीं करता था। दिन में तो ठाटता सुनता और रात में जब अंधेरा हो जाता बस चोरी करने खातर निकल जाता। पहले दिन में नू निगा लेता, आज यू सौदा ठाणा है, आज इसके घर बढ़ना है, आज इसकी तिजोरी पढ़नी है, आज आड़ तरपिए ठाणे या चीज ठाणी है, बस दिन में निगा लेता, रात न जाके अपना चोरी कराया करता। ये उसका छोरा था एक 5-6 साल का। एक दिन सांझ का टेम होया, रोटी पानी खाई और उन बालकों की बोला, बोला बेटा तुम सो जाओ। उसका छोरा बोला, ना पापा मन नींद ना आती, बोला बेटा सो जा, देखे मैं तो काम पर जाऊंगा। बोला पापा मैं भी चलूंगा काम पर, काम की जाता भी चोरी कराया करता। बोला ना बेटे और तेरा काम नहीं है, देखे मेरा मेरा काम से और मन काम पर जाना है, तू सो जा सवेरे तेरे स्कूल में जाना। बोला पापा मैं भी चलूंगा। बच्चा था बाल अठ हो गया, उसके बापू ने सोचा बालक से ले इसने गले ले चालू आज। बोला राम मैं अपने बेटे ने गेल गेल कर रहा, राम समझाने लगा। बोला बेटा बात सुन, देखे मैं जासू चोरी करना और बेटा तने एक बात का ध्यान रखना है, मैं तने एक जगह बैठा दूंगा और तने है नहीं बोलना नहीं है बिल्कुल भी, कदे आवाज करे मुड़ी सी भी आवाज ना करिए, तने में कितने देर में आराम तो बैठा दूंगा और थोड़ी देर में आगे तने संभाल लूंगा, डरिए ना। और बेटे इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई आ जे नहीं तू ऐसते ही मन नु बता दिए पापा फलाना आदमी है गया दिख है, तने बस नू बता दिए, तने और कुछ नहीं करना। बालक थानू बोला ठीक है पापा मैं ऐसे ही करूंगा। चोरी करने खातर भाई एक सेठ जी जिसको लाई आग नहीं लागो, नरे रुपये पड़े उन्हें सोच चले आड़े अजमावा तो किस्मत ने, बड़ा सेठ जी के सारे सुते पड़े हैं, रात का 12-1 का टाइम हो रहा है, युवको है छोरा अपना गल्ले था एक साइड में अंधेरे में खड़ा कर देना। बोले बेटे आड़ आराम तक खड़ा हो जा और कोई देख नहीं तो मैंने बताया दियर ना, चुप चुप आड़ देखे जा बस, आड़े पाइए मैंने मैं भीतर गया रही भाया ना, मैं तने दिखे जाऊंगा शाम में जाऊंगा उस कमरे में आड़े खड़ा रहो। बोला ठीक है पापा, लड़का उड़ा खड़ा कर दिया और आप भीतर चले आ गया चोरी करने खातर, तिजोरी वाला कमरा में अंधेरा था, भीतर पहुंच गया। जैसे ही उसने कोशिश करी टोन की भाई कि मैं पावे चोरी करने खातर, देखा उस बालक ने आवाज मारी पापा पप्पू नुई सारा कर। बोले हाँ देख है, उडर गया। बोले कौन देख है, छोरा बोलिया बोलिया, उसने सोचा बालक से, उसने देखा सेठ जी देखे। बोला ना पापा सिठानी जाग गया। बोला ना पापा है चुप हो जा भी। दोबारा फेर ला गया सौदा टोन की में पावे, थोड़ी देर पाछ फेरा छोरा बोले पापा। बोले हाँ देख, बोला कौन देखे है, सेठ जी का छोरा जाग गया। बोला ना पापा, वो छोरी जाग गई सेठ जी की। बोला ना पापा, वो फेर ला गया चोरी करने। उन्होंने सोचा यार बालक से यार, इन्हें गल्ले तो लिया है भी, कि मैं करण भी कौन देवे। बोला चुप हो जा तू, खड़ा रहो आराम से। ये फेर ला गया कि मैं टोन पावा देखा चोरी करने खातर, उसने फेर उका मारे आराम सीधे प्यार सीधे। बोला पापा, बोला देख इको तो छो उठिया उस आदमी, उसको दोहरा कर बोला रंग जाती कौन देखे है, ना सेठ देखता ना सेठानी देखती, ना छोरा जाग रहा ना छोरी, कौन देखे है, क्यों दिमाग खराब कर। बोला पापा कोई देखता हो ना देखता, वो राम देखे जाए। इतनी सुनते पाया तो लगी जमीन खिसक ने। बोला ऐड बालक इतनी बड़ी बात कह दी। बोला अरे बेटी या कड़त सीखी। बोला पापा आप क्या सोचते हो, कोई इंसान नहीं देख रहा था, कोई नहीं देख रहा, इंसान ना देखो मगर भगवान तो देख कैसे पापा, किसी और के घर में किसी और की कमाई हुई मेहनत को प्रतन अपनी नीत डगा ली, ये जो खोट तू कर रहा है ना पिताजी, ये छुप नहीं सकते, कितना हंगाला लिए। बेचारा की नीची नैड होगी उस आदमी की, 5 साल का छोटा हाथ छोरा अपने बाप ते लोगो के कण लगे सुन। कितने कर ले ओट पिताजी, छुप ना सकते खोट राम जी देखे से। कितने कर ले ओट पिताजी, छुप ना सकते खोट राम जी देखे से। I'm not afraid।
साल होवे बेकार राम जी ने कैसे कितने कर ले ओट पिताजी छुप ना सकते खोट राम जी ने कैसे पापा ये कमाई पाप की कमाई है जो आप कर रहे हो, धर्म की कमाई नहीं, आपका धर्म नहीं बनता किसी के घर उगड़ के चोरी करने का, ये ठीक नहीं कर रहे आप। और पिताजी अगर आप आख के बीज बोओगे तो आख के जमेंगे, आम खान की भाट ना देखियो कदे आपने सोचो रसीले आम लागेंगे मैं मजे लेकर खाऊंगा, ना पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, चोरी का धन मोरी में गुजागर है, नंबर दो का छोटा बड़की का लगा। जोड़ लेगा चोरी कर कर के, मगर या खपे को ना ये रेत के महल ढह जाएंगे एक दिन। तू अपनी दकरनी खराब करने लाग रहा है, मेरी और जिंदगी का नाश लाग रहा करना, आग मन न भी भरनी पड़ेगी, मेरे बालका नहीं भरनी पड़ेगी, क्यों अपनी आगत में डले लाग रहा है बोन, इसी बीमारी लाग जाएगी समझ में को ना आवे, क्योंकि पापा जी उसकी लाठी में आवाज नहीं है, मगर जब वो लाठी पड़ती है ना दुनिया का खुद नहीं समझ मानती, हाय ईव तो ठीक बैठा था इसका हो के गया, बोलता कोन्या ना रोटी खांदा ना बात करदा ना आदमी ने पहचानदार, सांस चल रहे इस तक गुंडी बिरान में टिकी हो गए तो चलन जोगा भी नहीं, हमने और तंग कर ना मरता, इसी बीमारी ला दे से राम, दस दस साल तो ही आदमी भुगते जा कोमा में चलिया जा, लोगो ये कर्मों का खेल है, जो माड़े कर्म कर पाछे उसका गिल्ले बने, अच्छे करेगा तो अच्छी बनेगी, करनी भरनी सीधी सी बात है, न बोलिया पापा पाछे पछतावा घर फिर मैंने तो अपने भागा पे फोड़ दिए, नंबर तीन पे छोरा के लगा। किस्मत अपने आप राम जी देखे से कितनी कर ले कोट पिताजी छुप न सकते कोट राम जी देखे से।
इंसान एक इंसान ने पता खोना आदमी ने ढंग सर नू बेरा सही या तक गलत राई है और या ठीक राई है बेरा है आदमी ने लेकिन जान बुझ के फिर भी आदमी गलत काम करे क्यों लोगों की धारणा क्या है चार दिन की जिंदगी वेले नू मर जाएंगे अरे तुम्हारे काम है चार दिन की जिंदगी तो सुतरा काम क्या तो नहीं करता माड़ा बड़ा कर ले क्योंकि मन भी इसी शरीर में बसता है और आत्मा भी मन तो भूंडी राई गाना लेके जाकर आत्मा को भी ठीक नहीं है ये काम मगर आदमी मन के मते ही चलता मन की मानना है आत्मा की तो सुनता है कोई ना लेकिन जब परमात्मा के घर इंसान पहुंचता तो आत्मा गवाही देती है कि हाँ इसने कदे मेरी तो सुनी है कोई ना माड़े कराया करता चोरी कराया करता भगवान ये दोषी है फिर उसी अनुसार इंसान को सजा मिलती है उसी अनुसार हमारे को जन्म मिलता है ये लाख चौरासी जिया जन्मू है तो बन रही और की रोड़ा यू रोड़ा है लेकिन हमारे गुरु जी समझाते हैं बेटे अच्छा भी देखना और बुरा भी देखना है और फिर विवेक जगाना है अपना अपनी बुद्धि से ये सोचना है कि मैं कौन सी राह पर जाऊंगा जिससे मेरा बेड़ा पार होगा मेरे अच्छे दिन आएंगे सीधी सी बात अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा और माड़ा करेंगे तो माड़ा होना है इसलिए हम माड़ी में जाओगे क्या नाची में जाएंगे ऐसे लिखा है।